ये है हिमालिनी नेटवर्क, आप देख रहे हैं हिमालिनी टेलीविजन, आपकी आवाज सबकी आवाज। नमस्कार, हिमालिनी टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। हिमालिनी से मैं हूं अंशुल राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। क्या है कम्युनिटी स्प्रेड? दिल्ली में मंडरा रहा जिसका खतरा। अब दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात कही जा रही है। सोमवार को प्रेस वार्ता में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना की स्थिति पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार होगी। और हम जानते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड या कम्युनिटी ट्रांसमिशन आखिर क्या है, दिल्ली में हालात ऐसे हुए तो क्या होगा। जाने क्या है कम्युनिटी ट्रांसमिशन, ये होता क्या है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन कोरोना वायरस की थर्ड स्टेज होती है। यह स्टेज तब आती है जब किसी एक बड़े इलाके के लोग वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं। वहाँ की स्थितियाँ कोरोना से बीमार लोगों की संख्या के खतरनाक स्तर पर पहुँच जाती है। और कम्युनिटी ट्रांसमिशन में कोई ऐसा व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है जो न तो कोरोना वायरस से प्रभावित देश से लौटा है और न ही वह किसी दूसरे कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो। कई देशों में तो अध्ययन ये भी बताया गया है अध्ययन में कि कम्युनिटी स्प्रेड होने पर इससे बचाव काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस स्टेज में यह पता नहीं चलता कि कोई व्यक्ति कहाँ से संक्रमित हो रहा है। बता दें चले कि मार्च तक देश में कोरोना वायरस दूसरे चरण यानी लोकल ट्रांसमिशन के स्टेज तक था। लोकल ट्रांसमिशन ने उसे माना जाता था जब कोई मरीज विदेश से लौटे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे संक्रमित के जरिए बीमार होता है। इसका मतलब यह है कि लोकल ट्रांसमिशन में यह पता होता है कि वायरस कहां से फैल रहा है। इसका फायदा यह होता है कि इससे मरीज किस स्रोत के संपर्क में आया उससे जुड़े लोगों की पहचान आसान होती है। इससे भी पहले होती है पहली स्टेज, जिसमें कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित देशों से आने वाले लोगों में संक्रमण पाया गया। लेकिन सबसे खतरनाक होती है चौथी स्टेज। चीन में यह अपनी चौथी स्टेज में था। ऐसी स्थिति में इसका हल खोज पाना भी कठिन होता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा कि मंगलवार की आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। इसमें यह तय किया जाएगा कि कोरोना का दिल्ली में स्टेटस क्या है और क्या कोरोना दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज में पहुंच गया है या नहीं। उन्होंने बताया कि चर्चा होनी थी कि अगर दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है तो उससे निपटने की क्या रणनीति होगी। इस पर डेटा और एक्सपर्ट के साथ चर्चा होनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत भी ठीक नहीं है। उनके गले में खराश और कफ की समस्या है। उनका मंगलवार को कोरोना का टेस्ट भी होना है, यानी कि आज, और वह कोई मीटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऐसे में उपराज्यपाल के साथ मीटिंग में मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार की तरफ से शामिल होने के लिए मुझे अधिकृत किया है। मंगलवार की मीटिंग में मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो पाएंगे। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हिमालिनी टेलीविजन के साथ। ये है हिमालिनी नेटवर्क, आप देख रहे हैं हिमालिनी टेलीविजन, आपकी आवाज सबकी आवाज।